ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। थ्री डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे थ्री की जगह हम फोर कर लेते हैं, ठीक है। देयर आर फोर डिस्टिंक्ट एक्टिविटी ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, थ्री प्लस वन और है फोर, ठीक है। फोर कंपोनेंट ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, फोर components of economic activity: consumption, production, distribution and current challenges faced by the economy. तो चार हो गए हैं। देयर आर फोर कंपोनेंट्स ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज कंसम्पशन। कंसम्पशन, इन दिस वी सी हाउ अ कंज्यूमर मेक्स हिज डिसीजन, ही टेक्स डिसीजन व्हाट ही शुड कंज्यूम। द मेन पर्पस, मेन मोटिव ऑफ ए कंज्यूमर इज टू मैक्सिमाइज हिज बेनिफिट, हिज सेटिस्फैक्शन बाय स्पेंडिंग हिज मनी ऑन डिफरेंट items, different goods, different services. जो पहला है economic activity या आर्थिक क्रिया जिसका हमें अध्ययन करना है, वो है consumption, उपभोग। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता कैसे निर्णय लेता है, किस प्रकार विभिन्न वस्तुओं में अपने धन को खर्च करके ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। ए कंज्यूमर ऑलवेज वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज हिज वेलफेयर, हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कंसम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सो ही विल ट्राई टू स्पेंड ऑन सच आइटम्स दैट मे प्रोवाइड मैक्सिमम यूटिलिटी। जो भी उपभोक्ता है वो चाहेगा कि अपना संतुष्टि का स्तर है ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। जो भी वस्तुएं वो कंज्यूम कर रहा है, उपभोग कर रहा है, खरीद रहा है, उन पर ऐसे ढंग से पैसा खर्चा करेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, ऐसे कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले। तो अब हमको यहाँ क्या देखना है, कैसे कंज्यूमर डिसाइड करता है ये सब, ठीक है। हाउ विल अ कंज्यूमर एलोकेट हिज मनी, हिज स्कार्स रिसोर्सेस ऑन डिफरेंट आइटम्स, डिफरेंट गुड्स। व्हाट will he do if the price of any commodity increases or if the price of any commodity falls? अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है या वस्तु की कीमत घट जाती है, तब वो क्या करेगा? How he will change his pattern? अपना decision कैसे change करेगा? ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हम देखेंगे। So this is also called स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंसम्पशन थ्योरी, इसको कंसम्पशन थ्योरी बोलते हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर का अध्ययन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन भी बोलते हैं। उपभोक्ता, उपभोग थ्योरी और मतलब उपभोग का सिद्धांत और उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, ये सारी चीजें समझेंगे। तो अभी कल हमने पढ़ा था ना, अवर वांट्स आर अनलिमिटेड बट टू फुलफिल अवर वांट्स Our resources are limited. हमारे जो resources हैं, संसाधित संसाधन हैं, वो क्या है, limited हैं, scarce resources हैं, ठीक है, सीमित हैं। लेकिन हमारी आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं, तो सब कुछ हम नहीं खरीद सकते हैं। So a consumer always behaves rationally. Consumer क्या करता है, थोड़ा तार्किक ढंग से सोच समझ के विवेक पूर्ण निर्णय लेता है कि क्या करे। वो सब कुछ नहीं खरीद सकता है, तो जो कुछ खरीद सकता है कम से कम उससे उसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। नेक्स्ट प्रोडक्शन, तो आप इसमें क्या है,
In production, we study about the behavior of a producer, behavior of a firm, a seller. जो एक सेलर है, विक्रेता है, एक फर्म है, एक उत्पादक है, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं प्रोडक्शन थ्योरी में। अब प्रोड्यूसर जो है उसका मेन पर्पज क्या होता है, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ ए प्रोड्यूसर। द मेन मोटिव, द चीफ मोटिव ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। उत्पादक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि अपने प्रॉफिट को, अपने लाभ को ज्यादा से ज्यादा करे, अपना लाभ बढ़ाए, लाभ अधिकतम करे। सो टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी मिनिमम। उत्पादन की जो लागत है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम, कम से कम होनी चाहिए। एंड द रेवेन्यू मींस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम। जो भी उत्पाद का मूल्य है या उसकी संप्राप्ति है, आय है, वो अधिकतम होनी चाहिए। ठीक है, ये उसका काम है। वो अब सोचेगा हाउ ही शुड बिहेव, विच लेवल ऑफ प्रोडक्शन ही शुड ऑप्ट फॉर, कौन सा स्तर चुने उत्पादन का जिससे उसे ज्यादा अच्छा रहे, लागत कम से कम रहे, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। मीन्स डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट शुड बी मैक्सिमम। जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट जो करे तो ज्यादा से ज्यादा अधिकतम हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो कौन से लेवल पे उसको चुनाव करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना माल खरीदना चाहिए, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ, ये सारी चीजें। सो आफ्टर स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर वी आल्सो मेक सम थ्योरी, सम रिलेशनशिप्स, वी फॉर्मुलेट सम रिलेशनशिप, सम थ्योरी। कुछ रिलेशनशिप हम तैयार करते हैं, संबंध तैयार करते हैं, उस थ्योरी जो है नियम वगैरह इसके बनाते हैं। कब, जब उपभोक्ता का व्यवहार समझते हैं। ठीक है, लाइक ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए फैक्टर, ग्रेटर इज द एम्प्लॉयमेंट। किसी भी फैक्टर की जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना रोजगार मिलेगा उसको। हेलो, गायत्री पटेल माइक मत ऑन किया करो। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्शन थ्योरी या प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, उत्पादक का व्यवहार या प्रोडक्शन थ्योरी, उत्पादक का, उत्पादन का सिद्धांत। थर्ड एक्टिविटी इज डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। तो तीसरी आर्थिक क्रिया है वो वितरण की क्रिया है। अब इसमें क्या होता है, वट एवर इनकम इज जनरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी आय उत्पादन की क्रिया के दौरान जनरेट की जाती है उसे उत्पादन के विभिन्न कारकों के मध्य बांटी जाती है, वितरित की जाती है। द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर गिवन सम इनकम। जो भी उत्पादन के कारक के मालिक हैं, स्वामी हैं, उन्हें कुछ इनकम दी जाती है। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, ये सब क्या है, उत्पादन के कारक हैं जिनके बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा था। द लैंड इज यूज्ड, द बिल्डिंग इज यूज्ड टू मेक द प्रोडक्शन एक्टिविटी। द लेबर मीन्स वी गेट द वर्क फ्रॉम सम पीपुल। वी यूज कैपिटल टू बाय मशीनरी एंड रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। एंड एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु ऑर्गेनाइज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्या करते हैं हम, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, इन सब का प्रयोग करते हैं उत्पादन के दौरान। जमीन पर हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम लोगों के श्रम का यूज करते हैं, कार का यूज करते हैं, पूंजी का प्रयोग करते हैं जिससे हम नई मशीनें खरीदते हैं, कच्ची सामग्री खरीदते हैं। और साहसी क्या करता है,
सारे उत्पादन की गतिविधियों का स्वामी होता है, सबको ऑर्गेनाइज करता है. सो द ओनर ऑफ लैंड गेट्स रेंट फॉर हिज वर्क. जो भूमि का मालिक है उसे लगान या रेंट मिलता है. ओनर ऑफ लेबर गेट्स वेजेस, मजदूरी दी जाती है श्रमिक को, श्रम के मालिक को. द ओनर ऑफ कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट. जो पूंजी का मालिक है वो ब्याज पाता है. एंड ओनर ऑफ एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट. साहसी या उद्यमी को लाभ दिया जाता है. सो हेयर वी डिसाइड हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, हाउ वी शुड डिस्ट्रीब्यूट द इनकम अमंग दीज ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हम इन्हें, इन उत्पादन के कारकों को कितनी कितनी इनकम दें, ये इसके अंतर्गत आता है. सो इट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. उत्पादन के जो कारक हैं उनकी प्रोडक्टिविटी पर निर्भर है. इफ द लैंड इज गुड, इट्स प्रोडक्टिविटी इज गुड, देन द रेंट विल बी हाई. इफ द लेबर कैन डू बेटर, द मार्जिनल प्रोडक्शन बाय लेबर इज गुड, इज बेटर, देन ही विल गेट बेटर इनकम, बेटर वेजेस, बेटर सैलरी. तो हमने अभी क्या बताया कि लैंड अगर जो है वो ज्यादा उत्पादक है तो ज्यादा उसको रेंट मिलेगा, किराया मिलेगा. इन द सेम मैनर इफ द लेबर इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज हाई देन ही विल गेट मोर सैलरी, मोर वेजेस. अगर लेबर की जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता ज्यादा है तो उसे ज्यादा सैलरी मिलेगी. ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिले, कितना मिले. ठीक है, नाउ फोर्थ कंपोनेंट इज चैलेंजेस फेस्ड बाय एन इकोनॉमी. किसी भी अर्थव्यवस्था के द्वारा जो भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो चुनौतियां. ठीक है, देखो, इन इकोनॉमिक्स वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, वी वांट टू इंक्रीज द जीडीपी, वी वांट टू इंक्रीज प्रॉफिट. बट इफ द सम पीपल ऑफ अवर कंट्री आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, then we are not able to use them in the process of production. अगर हमारे देश में कुछ लोग जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है या बीमार रहते हैं, तो हमारा जो उत्पादन है वो कम होगा, जीडीपी कम हो जाएगी. ठीक है, and the main purpose of the study of economics is to increase the ह्यूमन वेलफेयर. ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वेलफेयर लाया जाए, मैक्सिमम ह्यूमन वेलफेयर लाया जाए, ये मुख्य काम है हमारा, किसका, इकोनॉमिक्स के अध्ययन का. तो ये सारी बातों के अलावा हमको ये समस्या भी देखनी पड़ेगी, कौन से चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द करेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, हमें, हमारे पास क्या समस्या आ रही है ये भी देखना है. सोशल प्रॉब्लम्स लाइक अनइक्वलिटी, unequal distribution of wealth, unemployment, poverty, etc. बेरोजगारी हो गई, निर्धनता हो गया, समाज में जो भेदभाव है, कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, धन का असमान वितरण, ये सारी चीजें हैं. इनको हमें क्या करना है, इनका, इनको खत्म करना है, इनके बारे में सोचना है, कुछ ना कुछ मेजर देखने हैं जिससे हम इन सबको खत्म कर सकें. इश्यूज ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस और कलेक्टिव सिग्निफिकेंस आर कैटेगराइज एट इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो भी सोशल सिग्निफिकेंस के इश्यू हैं, समाज के पूरे जो इश्यूज हैं, समस्याएं हैं, या कलेक्टिव मतलब सामूहिक समस्याएं हैं, सामूहिक महत्व के जो
बातें हैं उन्हें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यू कहते हैं, उनको हम मैक्रो मतलब लार्ज लेवल पर उसको देखते हैं और उनकी समस्याओं का निपटारा करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इश्यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी ओनली द इंडिविजुअल प्रॉब्लम, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एंटायर सोसाइटी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो में मतलब क्या देखते हैं, इंडिविजुअल व्यक्तिगत समस्याओं को देखते हैं, पूरे अर्थव्यवस्था की नहीं, पूरे जितने लोग हैं समाज में सबके लिए कि सबको एम्प्लॉयमेंट देना है नहीं। माइक्रो लेवल मीन्स अपने पहले हमको देखना है, अपनी इनकम, अपना प्रॉफिट, अपना जो इंडस्ट्री लगाए हैं उसको देखेंगे, कंसम्पशन कंज्यूमर को देखे जाए। तो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट वन कंज्यूमर, हाउ वन कंज्यूमर एस्टैब्लिश हिज इक्विलिब्रियम, गेट्स हिज इक्विलिब्रियम, हाउ वन प्रोड्यूसर गेट्स हिज इक्विलिब्रियम। कैसे एक उत्पादक या ओ या कोई एक उपभोक्ता अपने संतुलन को प्राप्त करते हैं, ये सब को पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडी अबाउट द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसको व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो इसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जो है कैसे अपनी समस्याओं को दूर करता है, या इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स की समस्याएं क्या हैं। ठीक है, ये हुआ मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स मैक्रो मीन्स लार्ज। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, सच इश्यूज विच अफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी। ऐसे इश्यूज को हम देखते हैं, ऐसी समस्याओं को मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल समस्याओं को नहीं देखते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था की समस्याओं को देखते हैं सबकी। हाउ वी कैन प्रोवाइड जॉब्स टू ऑल, हाउ वी कैन प्रोवाइड मोर इनकम टू एवरीवन, ज्यादा से ज्यादा इनकम सबको कैसे दें, ज्यादा से ज्यादा जॉब कैसे सबको दें, ये सारी चीजें हम देखते हैं किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, द मेन मोटिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज सोशल वेलफेयर, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, एंड द मेन मोटिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल वेलफेयर। माइक्रो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है, वो क्या देखता है, व्यक्तिगत वेलफेयर को, व्यक्तिगत कल्याण को ज्यादा से ज्यादा करने का, करने के बारे में सोचता है, यानी उसका लक्ष्य होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरे समाज का सबसे ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर किया जाए। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अब